Competition Committee, as always, is coming up with its new initiative in the interest of CGPSC aspirants with its latest CGPSC pre-mobile course for English medium students. And in this course, with flowchart, images, and in other creative way, I have covered all the required dimensions of Indian economy and Indian geography subject for CGPSC prelims exam. So without wasting time, grab the opportunity. नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। आज हम सीजीपीएससी मेंस पेपर एनालिसिस के अंतर्गत सीजीपीएससी मेंस के पेपर नंबर 3 का भाग 3 छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान इस विषय से संबंधित पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि 2018 में जब सीजीपीएससी का सिलेबस बदला था तो उससे पहले की स्थिति कैसी थी और उसके बाद की स्थिति कैसे थी, कुछ सामान्य जानकारी भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सीजीपीएससी 2017 लिख देती हूँ और यहाँ पर 2018। जो सीजीपीएससी का एग्ज़ाम 2017 का था उसे 2018 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कुछ सामान्य जानकारी ऐसी है कि सीजीपीएससी मेंस इसमें टोटल 7 पेपर्स होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होता है और ये 7 पेपर्स का ईच पेपर 200 मार्क्स का होता है। तो अगर हम टोटल पेपर की बात करें तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का होगा, 14 मार्क्स का। इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का। तो इस प्रकार से हमारा रैंकिंग डिसाइड कितने मार्क्स से होता है, 1550 मार्क्स से होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये 2018 में भी ऐसा ही रहा। तो परिवर्तन किस में आया, तो परिवर्तन पेपर्स में आए। पेपर 7 तो थे, टोटल 7 पेपर्स तो थे, लेकिन सीजीपीएससी 2018 से पहले ये पेपर जो था, एक पेपर 5 भागों में बटा हुआ करता था, जबकि सीजीपीएससी 2018 के पेपर में जब सिलेबस बदला तो यही पेपर 3 भागों में सिमट गया। तो इसका आप ध्यान में रखिएगा कि पहले पेपर 5 भागों में हुआ करता था और उसके बाद जो पेपर है वो 3 भागों में सिमट गया। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी प्रकार से था, जैसा कि हमने देखा कि एक पेपर 200 मार्क्स का होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर 5 भागों में इस 200 मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हर एक भाग से लगभग 14 मार्क्स के सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब 70-80 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस प्रकार से था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कि यहाँ पर 2 मार्क्स के सवाल पूछे जाते थे, 2 मार्क्स के 20 सवाल होते थे, 4 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, जो कि ऑप्शनल हुआ करता था, कोई 2 क्वेश्चन ही हमें लिखने होते थे, और 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ये भी ऑप्शनल हुआ करता था जिसमें से एक प्रश्न हमें लिखना होता था। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि हर मार्क्स से 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप काउंट करके देखिए कि 20 क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के पूछे गए तो 40 मार्क्स, ठीक है, 10 क्वेश्चन 4 मार्क्स के पूछे गए तो भी 40 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स के पूछे गए तो भी 40 मार्क्स। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि हर एक मार्क्स के इतने ही सवाल पूछे जाते थे कि उस पर्टिकुलर स्लॉट का 40 मार्क्स बन जाए। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ था कि पूरे पेपर से इस प्रकार से सवाल पूछे जाते थे। वहीं पर हम जब नया पैटर्न देखते हैं तो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में समझ में आता है कि अब 2 मार्क्स से 20 क्वेश्चन नहीं बल्कि 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 मार्क्स से 10 क्वेश्चन नहीं बल्कि 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
8 मार्क्स से 5 क्वेश्चन नहीं बल्कि 8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर दो और भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के स्लॉट्स थे, एक तो 10 मार्क्स के और दूसरे 15 मार्क्स के, जिसमें से जो 10 मार्क्स के सवाल है वो हमेशा भाग 2 से पूछे जाते थे और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस भाग 1 के और भाग 2 से पूछे जाते थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 10 मार्क्स के भी दो सवाल होते थे जिसमें से हमें एक सवाल को लिखना होता था और 15 मार्क्स के 4 सवाल होते थे, एक एक भाग से दो दो क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ से हमें एक एक क्वेश्चंस को लिखना होता है, लेकिन मतलब कि 2 क्वेश्चंस यहाँ से लिखने होते हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बदल गया। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये पेपर नंबर 3 का पार्ट है और पहले ये 5 भागों में बटा था। तो पहले ये 5 भाग कौन कौन से थे? भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन भी कह सकते हैं। इसका तीसरा भाग था छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन नेशनल मूवमेंट। इसका चौथा भाग था भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसका पांचवा भाग था लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब CGPSC 2018 का एग्ज़ाम हुआ तो इसका सिलेबस बदल गया। हाँ, अब भी ये पेपर नंबर 3 का हिस्सा था, लेकिन अब ये 3 भाग में डिवाइड हो चुका था, जिसमें से इसका पहला भाग था भारत का इतिहास, दूसरा भाग भारत का संविधान एवं लोक प्रशासन और तीसरा भाग छत्तीसगढ़ का इतिहास। देखिए, नाम भी बदल दिया गया ना। पहले क्या था कि ये जो भारत का इतिहास है ये 2 भाग में डिवाइडेड था, इसका वेटेज जो था वो यहाँ पर ज्यादा था, लेकिन अब इन दोनों को एक ही नाम से पुकारा जा रहा है, भारत का इतिहास। वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि भारत का संविधान और लोक प्रशासन अलग अलग भागों में था, जबकि इसे एक ही भाग में रख दिया गया, मतलब कि अब भारत के संविधान का वेटेज बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, पहले इसे छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान नाम दिया गया था, लेकिन जब नया सिलेबस आया तो इसे छत्तीसगढ़ का इतिहास कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है ये बदल गया। और अगर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहले 2018 से पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास से 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे करते थे, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 8 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा करता था यहाँ से। लेकिन 2018 के बाद 2 मार्क्स से यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स से 6 क्वेश्चंस, 8 मार्क्स से 3 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ के इतिहास का वेटेज बढ़ चुका है। ये लगभग अगर आप काउंट करेंगे तो 14 मार्क्स के सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। काउंट कीजिए, 4 × 2 = 8, 8, 8 और 20, ठीक है। तो यहाँ से आप काउंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 44 मार्क्स के यहाँ से सवाल पूछे जाया करते थे, लेकिन अब टोटल 79 मार्क्स से सवाल पूछा जा रहा है यहाँ से। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब वेटेज बढ़ चुका है और लगभग 35 मार्क्स इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का वेटेज बढ़ चुका है, अब छत्तीसगढ़ के इतिहास से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं CGPSC मेंस में, तो आपको इसकी तैयारी करनी होगी, वो भी बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं कि CGPSC मेंस में 2016, 17 और 18 में किस प्रकार से सवाल
छत्तीसगढ़ के इतिहास सब्जेक्ट से पूछे गए थे। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि 2016 का एग्ज़ाम 17 में कंडक्ट किया गया था, 17 का 18 में और 18 का 19 में, मतलब कि सिलेबस के बदलने के बाद केवल एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस की कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का सिलेबस क्या है। और यहाँ पर जो भी सिलेबस यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये वर्तमान का सिलेबस है। ठीक है, तो वर्तमान के सिलेबस के हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल सिलेबस के अंतर्गत तो है, लेकिन यहाँ से सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते, और अगर पूछे भी जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में, इससे ज़्यादा मार्क्स का सवाल यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। तो आपको तैयारी भी यहाँ पर ऐसे ही रखनी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत वैदिक युग से लेकर गुप्त काल तक प्रमुख राजवंश राजर्षि तुल्य कुल, शरकपुरी, सोमवंशी, पांडु, कलचुरी एवं उनका प्रशासन। देखिए, रुक जाइए, धैर्य बनाते हैं हम यहाँ पर। राजर्षि तुल्य कुल वंश ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में, 2 मार्क्स में यहाँ से सवाल आते हैं। शरकपुरी राजवंश, सोमवंशी और पांडु यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल कैसे होते हैं, तो सवाल इनसे संबंधित शासकों से पूछा जाता है। शासकों की उपलब्धियों के बारे में सवाल आते हैं, तो उपलब्धियों के बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो या तो 2 मार्क्स में पूछता है, या 4 मार्क्स में, या फिर 8 मार्क्स में। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि 15 मार्क्स के लिए तैयारी आपको यहाँ से नहीं करनी है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से तो नहीं पूछे जाते हैं। आपको इतनी ही तैयारी करनी है इस राजवंश के शासकों के बारे में, आपको इतना ही जानना है कि आप 100 शब्दों में उसे लिख सकें, और उसमें भी जो उसके प्रमुख शक्तिशाली शासक हैं उसके ही बारे में इतना कुछ जानना है। नहीं तो आपको बाकी शासकों के बारे में इतना ही जानना है कि आप उसे 30 वर्ड्स में लिख सकें या फिर 60 वर्ड्स में लिख सकें। ठीक है, कलचुरी वंश और उनका प्रशासन ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल 2, 4, 8 एंड 15 किसी भी मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसे आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। मराठों के अधीन छत्तीसगढ़ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ब्रिटिश संरक्षण में छत्तीसगढ़ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, 8 मार्क्स एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन, वो यहीं से पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि 2016-17-18 में जो भी 8 एंड 15 मार्क्स में सवाल पूछे गए वो इसी टॉपिक से ही पूछे गए। तो बड़े सवालों की तैयारी आपको कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है। छोटे सवालों की तैयारी आपको कहाँ से करनी है, तो इस वाले पोर्शन से करनी है। और मध्यम वर्ग के क्वेश्चन की तैयारी आपको इस बीच वाले लाइन में जितने भी राजवंशों के नाम दिए गए वहाँ से करनी। कलचुरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कलचुरी और ब्रिटिश संरक्षण काल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के पूर्व की रियासतें और जमींदारियाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर बस्तर का इतिहास सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या बस्तर के इतिहास से सवाल नहीं पूछा जाता है, तो छिंदक नागवंशी, काकतीय वंश या फिर आदिवासी आंदोलन सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो किसके अंतर्गत पूछा जाता है, तो रियासतों के अंतर्गत पूछा जाता है, क्योंकि बस्तर पहले एक रियासत थी। ठीक है, 1857 की क्रांति यहाँ से सवाल आते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे सवाल नहीं पूछे जाते, 2 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना यही इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ से भी सवाल आते हैं। सिलेबस बहुत छोटा है और आपको ध्यान में रखना होगा कि किस टॉपिक से किस पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि ये सवाल किस प्रकार से होते हैं। तो 2016 की बात करें तो 2016 में छत्तीसगढ़ का इतिहास 2 मार्क्स के यहाँ से सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल, पांडु वंश के शासक तीवर देव की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी राजवंश के शासकों के बारे में पूछा जाएगा, अगर वो शासक बहुत शक्तिशाली था या बहुत इम्पोर्टेंट था तो सवाल उसकी उपलब्धियों से संबंधित ही होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, तीवर देव जो है वो पांडु वंश का बहुत शक्तिशाली शासक था, इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, आपको इसकी उपलब्धियों का उल्लेख करना है। सीधी सी बात है, अगर उपलब्धियां पूछी जा रही है तो ऐसे शासकों के उपलब्धियां ही तो पूछी जाएगी जिसने कुछ उपलब्धि की होगी, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट शासक जो किसी पर्टिकुलर राजवंश से संबंधित है उनसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको कम से कम यहाँ पर 3 उपलब्धियां बतानी है और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अगला सवाल, मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं? What do you know about the परगना system under the मराठा administration? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये परगना पद्धति क्या थी, कब आई थी, किसके द्वारा लाई गई थी, किस उद्देश्य से लाई गई थी। तो क्या थी परगना पद्धति? मराठा प्रशासन के काल में आई थी, विठल राव दिनकर ने इस परगना पद्धति को लाया था। विठल राव दिनकर क्यों लाया था इन्होंने? ये जो परगना पद्धति थी ये राजस्व निर्धारण और वसूली से संबंधित था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में सीमित कर दिया था और यहाँ पर दाऊ और दीवान की जगह उन्होंने कमांड्सदार को बिठाया था। तो इस प्रकार से मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति को लाई गई थी। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। अगला सवाल, प्रथम BNC मील मजदूर आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। मील मजदूर आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, राजनांदगांव में हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे, ये क्यों फेमस है, ये कितने दिनों तक चला था। सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये मील मजदूर आंदोलन है ना। तो आपको इससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं आपको यहाँ पर लिखनी होगी, लेकिन ध्यान में रखिएगा आपको केवल और केवल 30 वर्ड्स में लिखना है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बस वही लिखना है, नेता कौन था, कौन सी जगह पे हुआ था, कब हुआ था और आंदोलन का उद्देश्य क्या था। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख रहे हैं कि प्रथम मील मजदूर आंदोलन 1920 में हुआ था, इसके नेता ठाकुर प्यारे लाल थे, ऐसे नहीं, आंसर ऐसे नहीं लिखते। आपको एक ही सेंटेंस में बहुत सारी जानकारी देनी होगी। 1920 में छत्तीसगढ़ का प्रथम मील मजदूर आंदोलन राजनांदगांव जिले में ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में किया गया था। सेंटेंस एक है, जानकारी बहुत सारी है। तो आपको अपने आंसर को इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है चलेगा, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना ही चाहिए। आप एक ही बात को बोलने के लिए 4 लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको एक ही सेंटेंस में बहुत सारी जानकारी देनी होगी। अगर सवाल इस प्रकार से पूछा गया कि टिप्पणी लिखिए तो स्पेशली। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार से हुआ? प्रोसीजर पूछा गया है और 30 वर्ड्स में ही पूछा गया है, तो आपको उस समय की परिस्थिति को थोड़ा सा बताना है और बताना है कि उस समय छत्तीसगढ़ के रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट का गठन किया गया था। और फिर उसके बाद 1 जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिला दिया गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रोसीजर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप उसे समझिए और उसके बाद उसके आंसर को लिखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में लेकिन शब्द सीमा कम है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक ही सेंटेंस में बहुत सारी जानकारी को दे सकें। अब हम देखते हैं कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे 2016 में। तो मैंने बताया था ना 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला सवाल, कलचूरी शासक जाजल्लदेव प्रथम की उपलब्धियों को रेखांकित कीजिए। फिर से, कलचूरी वंश के प्रमुख शासक कौन है? तो जाजल्लदेव प्रथम है, उसकी उपलब्धियों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले जब भी आप उपलब्धियाँ बताएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे और इन ताम्रपत्र और अभिलेखों के अनुसार इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किन किन क्षेत्रों में किया,
अगर उन्होंने कोई युद्ध किया तो उसके बारे में बताएंगे, इन्होंने अगर कोई उपाधि धारण की तो इसके बारे में बताएंगे, इन्होंने कोई सोने या फिर चांदी के सिक्के जारी किए तो आप इसके बारे में बताएंगे, इन्होंने कोई निर्माण कार्य किया तो आप इसके बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से चार पॉइंट में आप इसे लिख सकते हैं। आप इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, राज्य विस्तार अब डैश करके आप बता दीजिए, उपाधि डैश करके बता दीजिए, सोने और चांदी के सिक्के जो भी जारी किए गए वो बता दीजिए। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं या फिर आप इसे पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परलकोट दो पर एक टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखना है आपको, बताइए यहाँ पर कि परलकोट का विद्रोह कब, क्यों, किसके शासनकाल में, किस उद्देश्य से, क्यों मतलब ये यहीं पर इंक्लूड हो गया, उद्देश्य इसका क्या था, किस नेता के नेतृत्व में और इसका परिणाम क्या था। आप ये सभी जानकारी यहाँ पर दीजिए और आपका 60 वर्ड्स का आंसर रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर को लिखना है। देखिए यहाँ पर हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये तय कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर को किस प्रकार से आपको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, पेपर का एनालिसिस किस प्रकार से करना है, आपके आंसर किस प्रकार से ज़्यादा इम्प्रेसिव होंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादा प्रभावित तरीके से आप अपने आंसर को किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो लेक्चर है ये पेपर एनालिसिस का लेक्चर है, ना कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का लेक्चर है, ठीक। अगला सवाल, 2016 में 8 मार्च में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में हुए विद्यार्थी आंदोलन पर प्रकाश डालिए, ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं जितने भी विद्रोह हैं और जितने भी आंदोलन किए गए थे इस क्षेत्र से, वहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 2 मार्क्स में भी पूछा गया था, 4 मार्क्स में भी पूछा गया था और 8 मार्क्स में भी पूछा गया है। मतलब कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आंदोलन हुए थे, जितने भी विद्रोह हुए थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में रायपुर में जो विद्यार्थी आंदोलन हुआ था, आपको पूरी उसकी परिस्थिति को यहाँ पर बताना है। आप इसे पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। अगला सवाल, 20 मार्क्स में एक सवाल पूछा गया था, और जब भी कोई बड़ा सवाल पूछा जाता है ना, जिसे हमें 250 वर्ड्स में लिखना होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे 2 पार्ट में पूछा जाता है, ताकि हम ज़्यादा गहराई से किसी टॉपिक को ना पढ़े। देखिए आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 शब्दों में लिखना है, 250 वर्ड्स में तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि 250 वर्ड्स में लिखने के लिए जब कोई सवाल पूछा जा रहा है 20 मार्क्स में, तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उस सवाल को पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड करके पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रहों पर टिप्पणी लिखिए। हमें पता है कि 1930 में जहाँ जहाँ समुद्र नहीं थे वहाँ वहाँ जंगल सत्याग्रह हुए थे। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे जंगल सत्याग्रह किए गए थे 1930 में, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर जंगल सत्याग्रह किया गया था। आपको उन सभी जंगल सत्याग्रहों को लिखना है, आप सत्याग्रह का नाम लिखिए और उनसे संबंधित नेता, स्थान और स्थिति, परिणाम के बारे में वहाँ पर लिखिए कि कारण क्या थे इस जंगल सत्याग्रह के होने के और इसका परिणाम क्या हुआ। तो इस प्रकार से आप सभी जंगल सत्याग्रहों के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उत्पन्न होता है कि क्या हमें, चूँकि हमें इस पूरे क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में लिखना है, तो क्या हमें इस क्वेश्चन को 125 वर्ड्स में लिखना है और इसे भी 125 में वर्ड लिखना है। इसका मतलब ये है कि क्या हमें इन्हें इक्वली डिवाइड करके वर्ड्स लिमिट डालना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन को
100 वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसी क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि 8वां नंबर का सवाल 250 वर्ड्स का होना चाहिए। आपको ये नहीं कहा गया है कि ये सवाल 125 वर्ड्स का होना चाहिए। तो वर्ड लिमिट अब आप डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ, CGPSC मेंस का जो आंसर शीट होता है वहाँ पर लाइंस होती है, आपको प्रॉपर स्पेस दिया जाता है और आपको उसी स्पेस में उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको आंसर को ऐसा अरेंज करना है कि उसी स्पेस में आपको उस आंसर को लिखना है, लेकिन वर्ड लिमिट के साथ आप फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो बड़े मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं उसे पार्ट में डिवाइड करके सवाल आता है। और ये भी देखिए कि ये दोनों सवाल ब्रिटिश काल से संबंधित है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। जो बड़े मार्क्स के सवाल होते हैं, जो ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, वो जनरली स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सवाल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे CGPSC मेंस 2017 के हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ के पेपर की। तो देखते हैं 2 मार्क्स में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के सवाल के अंतर्गत सबसे पहला सवाल था ताना भगत के बारे में, आप क्या जानते हैं। देखिए, ये जो ताना भगत आंदोलन है ना, ये इसका डायरेक्ट रिलेशन छत्तीसगढ़ से नहीं है। ऐसे सवाल एक दो होते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते कि ऐसे सवाल भी CGPSC में पूछे जा सकते हैं। ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, 1914 to 1919 के मध्य हुआ था। उड़ाव जनजाति के लोगों के द्वारा इस आंदोलन को ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में सामान्यतः हमें जानकारी नहीं होती, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम इसे पढ़ते भी नहीं हैं। ठीक है, तो कुछ रेयर क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो जाँचकर्ता आपके आंसर शीट को चेक कर रहे हैं, वो भी एक ओपिनियन बना रहे होते हैं आपके आंसर शीट को लेके। देखिए, ये 2017 का पहला सवाल है, और अगर जांचकर्ता ये पहले ही जान जाए कि ये, अगर इसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ये फिर भी कुछ भी लिखता है, तो क्या वो आपको आगे के क्वेश्चंस के आंसर में सही प्रकार से नंबर देगा? तो वो नहीं देगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो ही लिखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो मत लिखिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं पता है, आप इतना ही लिख सकते हैं कि 40 अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 60 वर्ड्स में लिखना है, तो आप 40 वर्ड्स तक ही लिख सकते हैं। 60 वर्ड्स तक आप उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं लिख सकते, तो 40 वर्ड्स तक ही लिखिए, 60 वर्ड्स तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ भी इधर उधर का नहीं लिखना है, आपको वही लिखना है जो सवाल में पूछा गया है। ठीक है, सटीक आंसर देना है और बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, बस्तर की महारानी प्रफुल्ल कुमारी के प्रमुख योगदान क्या थे। ये बस्तर की महारानी है, काकती वंश की शासिका है, ये बहुत कम उम्र में ही शासिका बन गई थी, तो आपको इनके योगदान के बारे में यहाँ पर बताना है। और चूंकि 30 वर्ड्स में लिखना है तो बहुत ज़्यादा आसान है, आप इनके 2 योगदान भी बता देंगे तो काफ़ी है, क्योंकि पहला लाइन तो इसमें ही निकल जाएगा कि आप बताएंगे, जानकारी देंगे कि प्रफुल्ल कुमारी देवी ये काकती वंश की शासिका है और रुद्र प्रताप देव के बाद यह राजगद्दी पर बैठी थी। अगला सवाल, दक्षिण कौशल के त्रिकलिंगाधिपति सोमवंशी राजाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, सोमवंशी जो शासक है ना, वो दक्षिण कौशल क्षेत्र में तो राज्य किए, लेकिन वो मेनली कलिंग और उत्कल के स्वामी थे। तो यहाँ के राजाओं के बारे में सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ के शासक उत्कल और कलिंग क्षेत्र को राजधानी बनाकर शासन कर रहे थे। दक्षिण कौशल के क्षेत्र में बहुत ही कम समय तक उन्होंने शासन किया, मतलब इस क्षेत्र को राजधानी बनाकर उन्होंने बहुत कम समय तक शासन किया। तो यहाँ से सवाल जो पूछे जाते हैं वो जनरलाइज में पूछे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर शासक की उपलब्धियों के बारे में यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, क्या सवाल है कि दक्षिण कौशल के त्रिकलिंगाधिपति सोमवंशी राजाओं के बारे में आप क्या जानते हैं।
तो ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है। क्या जानते हैं आप कि इन्हें त्रिलिंगाधिपति क्यों कहा जाता था? चूंकि इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है तो आप इसे डिकोड करेंगे। आप बताएंगे कि चूंकि वो कोसल, कलिंग और उत्कल तीनों क्षेत्रों के स्वामी थे, इसलिए उन्हें त्रिलिंगाधिपति कहा जाता था। ठीक है, ये दक्षिण कोसल के क्षेत्र में शासन करते थे और धीरे धीरे उन्होंने उड़ीसा के क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार किया था। तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में यहाँ पर बताना है। अगला सवाल, मराठा सूबेदार विठ्ठलराव दिनकर के काल की प्रमुख घटनाओं का विवरण कीजिए। इस सवाल को पिछली बार भी पूछा गया था, लेकिन तरीका अलग था। पिछली बार क्या पूछा गया था? परगना पद्धति के बारे में बताइए, लेकिन परगना पद्धति लाई किसने थी? तो विठ्ठलराव दिनकर ने लाई थी। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि ये द्वितीय मराठा सूबेदार थे, इन्होंने अपने शासन काल में परगना पद्धति लाई थी। परगना पद्धति के बारे में आप थोड़ी जानकारी देंगे और इस प्रकार से आपको 30 वर्ड्स में इसके आंसर को लिखना है। तो प्रमुख घटना क्या था? तो सबसे इम्पोर्टेंट घटना तो यही थी कि इन्होंने परगना पद्धति लाई थी। और दूसरी इम्पोर्टेंट घटना है कि इनके शासनकाल में कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ठीक है, तो घटनाओं के बारे में बताना है तो हम इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रखेंगे। ठीक, 4 मार्क्स के क्वेश्चन से संबंधित 2 सवाल पूछे गए थे। ये दोनों सवाल कौन कौन से थे? तो इसमें पहला सवाल था, रामायणकालीन बस्तर का विवरण दीजिए। देखिए, बस्तर के बारे में तो आपको बताना है, लेकिन रामायणकालीन बस्तर के बारे में बताना है। इसका मतलब ये है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब अपने वनवास काल के दौरान ये बस्तर के क्षेत्र में आए थे तो किन किन क्षेत्रों में उन्होंने विश्राम किया था, वो रुके थे। रामायणकालीन जो पर्यटन स्थल है बस्तर में, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बस्तर का विवरण तो देना है लेकिन रामायणकालीन बस्तर का विवरण देना है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कोटमसर की गुफा, इसके बारे में तो आपको लिखना ही है। तो 60 वर्ड्स में लिखना है, दो से चार क्षेत्रों के बारे में आप यहाँ पर बता दीजिए। और जो भी आप स्थिति जानते हैं कि किस प्रकार से श्री राम इस क्षेत्र में आए थे, वहाँ पर ऐसी क्या क्या घटना हुई थी कि उस क्षेत्र का नाम ये रखा गया, तो उस प्रकार से आप यहाँ पर इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला सवाल, मध्य प्रांत के प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संभाग में 1905 ईस्वी तक भू क्षेत्रीय परिवर्तन क्या हुए थे? देखिए, यहाँ पर 1905 ईस्वी तक कहा गया है, ध्यान में रखिएगा 1905 ईस्वी को नहीं कहा गया है, और मध्य प्रांत के प्रशासन की बात की गई है। तो आपको मध्य प्रांत से स्टार्ट करना पड़ेगा कि मध्य प्रांत का गठन 1961 में किया गया था। फिर 1962 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया था। तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है कि जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो किन किन क्षेत्रों से मध्य प्रांत मिलकर बना था। ठीक है, उसके बाद आपको 1905 की स्थिति बतानी है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का भी विभाजन हुआ, और उस समय छत्तीसगढ़ की 5 रियासतों और संबलपुर जिले को उड़ीसा बंगाल क्षेत्र में डाल दिया गया, और छोटा नागपुर क्षेत्र की 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। ये 5 रियासतें कौन कौन सी थी? जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आती है वर्तमान समय में। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है, लेकिन ध्यान में रखिएगा आपको केवल 1905 की स्थिति को नहीं बताना है, आपको जब मध्य प्रांत का गठन हुआ उसके बाद से लेकर 1905 तक पहुंचना है। ठीक है, तो सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, कम से कम 2 बार तो पढ़िएगा ही कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि जो सवाल पूछना चाह रहा है हमको सिर्फ उसका ही आंसर देना है। बाकी CGPSC को पता है कि आपको सब कुछ आता है, वो आपसे बस इतना ही जानना चाहता है कि इस सवाल का आंसर क्या है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। 8 मार्क्स में मुंगेली जिले के स्वतंत्रता सेनानी श्री गजाधर साहब ने क्या कार्य किए थे, ये सवाल पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि हर साल ऐसा कोई 1 या 2 सवाल होता है जो कि हम सोचे भी नहीं होते, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते, उस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रकार के सवालों के लिए घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आप तैयारी करना चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, इसका रेफरेंस क्या है,
तो आप राम कुमार बिहार की किताब पढ़िए, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को बहुत डिटेल से बताया गया है, वहाँ पर बहुत डिटेल से जानकारी दी गई है छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित। और CGPSC के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं उस किताब के रेफरेंस से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको कोई और किताब पढ़नी है तो कंपटीशन कम्युनिटी की छत्तीसगढ़ के इतिहास की किताब बहुत ही अच्छी है, छत्तीसगढ़ सार गर्भित भाग दो में छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बताया गया है, बहुत ही डिटेल से जानकारी दी गई है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो रेफरेंस के तौर पर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की किताब भी ले सकते हैं, ठीक। तो 20 मार्क्स में देखिए फिर से 2 पार्ट में सवाल पूछा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ज़्यादा मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं तो उस ज़्यादा मार्क्स के सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया। पहला पार्ट है स्वाधीनता आंदोलन में छत्तीसगढ़ पर गांधीवाद के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यहाँ पर आपको आलोचना करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है, दिमाग का खेल है ये। और देखिए सवाल कहाँ से पूछा गया है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सवाल है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की रियासतों के प्रति ब्रिटिश शासन की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए, फिर से यहाँ पर आपको मूल्यांकन करना है, दिमाग का सवाल है। अब यहाँ पर क्या कैसे महत्व जानकारी टिप्पणी नहीं पूछा गया है, अब आपको मूल्यांकन करना है, मतलब कि उस समय क्या हुआ, कौन सी घटनाक्रम हुई, ये तो बताना ही है, और आपको ये भी बताना है कि क्या ये जो घटना हुई ये सही थी, ऐसा होना चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये उस परिस्थिति में लाभदायक था कि नहीं था, आपको यहाँ पर आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब कि आपको अपना तर्क देना है और बताना है कि किस प्रकार से ये सही था या फिर गलत था, और यहाँ पर भी आपको मूल्यांकन करना है। तो अब आंसर लिखने का तरीका बदल जाएगा, अब आपको क्या घटनाक्रम हुई, कैसी स्थिति थी, क्या हुआ, इसके बारे में नहीं बताना है, क्या हुआ ये तो बताना ही है, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि क्या ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो सवाल किस प्रकार से पूछा जा रहा है, किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, और इसे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, इसे भी आप 125 वर्ड्स में लिख सकते हैं और इसे भी, मतलब कि आपको बहुत कम शब्दों में, 125 का मतलब क्या है, आपको 12 लाइनों में लिखना है इसका आंसर, तो परिस्थिति के बारे में ही आप 6 लाइन लिखेंगे और 6 लाइन में आपको अपने तर्क भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है। अब हम बात करेंगे CGPSC में 2018 के पेपर में पूछे गए सवालों की, पैटर्न बदल चुका है, सिलेबस बदल चुका है, अब सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे, वेटेज भी ज़्यादा होने वाला है, और अब देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल CGPSC में 2018 में पूछे गए थे। 2 मार्क्स के सवाल, पहला सवाल, सिंघलपुर के गुफा चित्रों के विषय वस्तु की जानकारी दीजिए, सिंघनपुर कहाँ है, रायगढ़ जिले में स्थित है, प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है, इसके गुफा चित्रों के बारे में आप जानकारी देना है, सवाल घुमा के पूछा गया। अब आपको डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अब आपको एक स्टेप अप सवाल के जवाब को लेकर जाना होगा, कैसे, आपको गुफा चित्रों के विषय वस्तु के बारे में जानकारी देना है, तो आपको क्या बताना है कि गुफा चित्र तो थे वहाँ पर उनका विषय क्या था, तो उनका विषय क्या था, तो जो भी उस समय परिस्थितियां थी उसे ही वहाँ के आदिम मानव समाज ने गुफा चित्रों के माध्यम से गुफाओं में उकेरा था, जैसे कि प्राचीन समय में मानव शिकार किया करते थे तो उन्होंने शिकार करते हुए मनुष्य के रेखा चित्र को बनाया, उस समय वो शिकार करते थे, वनोपज संग्रहण किया करते थे, समूह में जंगलों में विचरण किया करते थे, औजार बनाया करते थे, तो ये जितने भी क्रियाकलाप हो रहे थे ना उनके दैनिक जीवन में उनको ही उन्होंने गुफाओं में चित्रों के माध्यम से उकेरा था, ठीक है। तो उनकी विषय वस्तु क्या थी, तो उनकी विषय वस्तु वही थी जो उनके दैनिक जीवन में चल रही थी, ठीक। तो इस प्रकार से आपको बताना है, इस सवाल में आपको ये नहीं बताना है कि सिंघनपुर कहाँ है,
आपको ये नहीं बताना है, ठीक है? बता भी सकते हैं लेकिन वहां पर फोकस नहीं होगा आपका आंसर। आपका आंसर कहाँ फोकस्ड होगा? तो इन गुफा चित्रों के विषय वस्तु पर फोकस्ड होना चाहिए आपका आंसर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश की सत्ता के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। सातवाहन सत्ता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, किस क्षेत्र में थी, यहाँ पर राजा कौन थे? नहीं, क्या बताना है? एविडेंस बताना है कि कौन कौन से साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए। तो आपके पॉइंट्स भी ऐसे ही होने चाहिए कि कास्ट स्तंभ, ये आपका एक पॉइंट है, अब कहाँ से ये प्राप्त हुए ये आपको बताना है। सातवाहन कालीन सिक्के, रोम कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए आपको ये यहाँ पर बताना है। विष्णु की प्रतिमा, ये साक्ष्य है, अब आगे बताना है कि ये कहाँ प्राप्त हुए, ठीक है? और उससे संबंधित कोई आपको जानकारी अगर देना है तो आप बताएंगे, लेकिन इस सवाल को 2 मार्क्स में पूछा गया है तो आप आगे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपको इसे 100 वर्ड्स में पूछा जाता तो आप ऐसे बताते, लेकिन 2 मार्क्स में पूछा गया तो जितने भी साक्ष्य है उसके ही नाम लिख दीजिए आप, 30 वर्ड्स हो जाएगा। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में सरगपुरी वंश की स्थापना का उल्लेख कीजिए। स्थापना के बारे में आपको बताना है। 5वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में सरगपुरी वंश की स्थापना की गई। वहाँ पर उस समय जब सरगपुरी वंश की स्थापना हुई तो उनके समकालीन शासक कौन कौन से थे, आप उसके बारे में बता सकते हैं। इनका राज्य कहाँ तक विस्तारित था, आप इसके बारे में बताइए। इनकी राजधानी के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से आपको 30 वर्ड्स में इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। अगला क्वेश्चन, कलिंग राज ने दक्षिण कौशल पर किस प्रकार अधिकार प्राप्त किया? किस प्रकार, ये सवाल पूछा गया है, तो प्रकार तो बताना पड़ेगा कि कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में दक्षिण कौशल के सारे जनपद को जीत कर यहाँ पर वास्तविक रूप से अपनी सत्ता की स्थापना की। तो उस समय की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार से उसने तुम्मांड के क्षेत्र को राजधानी बनाकर यहाँ पर कलचूरी वंश की स्थापना की, उस पूरी स्थिति को, परिस्थिति को आपको यहाँ पर बताना है 30 वर्ड्स में, ठीक? अगला सवाल, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ में महारसिया का मामला क्या था? अब ये उसी प्रकार का सवाल है जो रेयरली पूछा जाता है, जिसके बारे में सामान्यतः किसी किताब में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती। ये जो महारसिया है ना, ये एक व्यक्ति का नाम है। ब्रिटिश संरक्षण काल में पी वॉन्स एगेन्यू के शासन काल में ये नवागढ़ जमींदारी से संबंधित व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध किया था, ठीक है? तो ये घटना थी, एक मामला थी जिसके बारे में आपको पूछा गया है और इसके बारे में जानकारी राम कुमार बिहार की किताब में दी गई है, ठीक है? तो कभी कभी ऐसे रेयर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को भी तैयार करना है तो आप राम कुमार बिहार की किताब पढ़िए। अगला सवाल, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सुरेंद्र साय के विद्रोह के संबंध में आप क्या जानते हैं? सुरेंद्र साय का विद्रोह बहुत ही फेमस है और इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि छत्तीसगढ़ में हुए जितने भी विद्रोह हैं, आंदोलन हैं, चाहे वो कृषक आंदोलन हो, आदिवासी आंदोलन हो, विद्यार्थी आंदोलन हो या मजदूरों का आंदोलन हो, सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स में सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है? तो आपको तैयारी रखनी है, 100 शब्दों की तैयारी तो आपको रखनी ही होगी। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किन नेताओं ने अपनी उपाधियों का त्याग किया? उपाधियों का त्याग बताना है कौन कौन से नेताओं ने किया। देखिए 2 मार्क्स में पूछा गया, 30 वर्ड्स में लिखना है, आप 5 से 6 नेताओं के नाम भी लिख दिए तो फिर हमारा आंसर तैयार हो गया। 1942 में रायपुर में हुए डायनामाइट कांड की संक्षिप्त जानकारी दीजिए, ठीक है? तो इस कांड के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 4 मार्क्स में सवाल कौन कौन से पूछे गए थे ये हम देख लेते हैं। तो 4 मार्क्स में पहला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति में तत्कालीन छत्तीसगढ़ के बारे में क्या विवरण दिया गया है? बताइए कि ये प्रयाग प्रशस्ति किसकी थी? समुद्रगुप्त की थी, हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी। क्या बताया गया था कि कोसल के राजा महेंद्र और महाकांतर के राजा व्यागराज को समुद्रगुप्त ने युद्ध में पराजित किया और उन्हें उनका क्षेत्र वापस कर दिया, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा गया था, ये प्रयाग प्रशस्ति में किस प्रकार की जानकारी दी गई है, समुद्रगुप्त के युद्धों का वर्णन किया गया है,
उसकी किस पंक्ति में छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा की गई है आप इसे विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझा सकते हैं 60 वर्ड्स में। अगला सवाल, बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम के विजयों का वर्णन करना है। सोमेश्वर देव प्रथम के विजयों का वर्णन CGPSC मोबाइल कोर्स जो कंपटीशन कमेटी के द्वारा बनाया गया है उसमें इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में समझाया गया है। तो आप CGPSC मेंस के लिए कंपटीशन कमेटी का मोबाइल कोर्स परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ थी उसे बहुत अच्छे से समझाया गया, उसमें देखिए आपको यहाँ पर सोमेश्वर देव प्रथम के विजयों का वर्णन करना है। अब देखिए अभी तक सवाल कैसा पूछा जाता था, किसी भी राजवंश के शक्तिशाली शासक की उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर उपलब्धियाँ नहीं, डायरेक्ट आपको सवाल पूछा गया कि विजयों का वर्णन कीजिए, मतलब कि उन्होंने किन किन राजाओं से युद्ध किया, कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, अपने राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक किया, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो अब सवाल पूछने का तरीका बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचूरी प्रशासन के अंतर्गत बरहो नामक इकाई का परिचय दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आप बरहो के बारे में बता सकते हैं, 12 ग्रामों के समूह को बरहो कहा जाता था, ठीक है। तो इस प्रशासनिक इकाई के बारे में भी अब आपको गहराई से जानकारी रखनी होगी क्योंकि आपको उसे 60 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 4 मार्क्स में एक और सवाल पूछा गया है, 1937 में छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में हुए किसान आंदोलन के क्या कारण थे। किसान आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पर नहीं बताना है, CGPSC जानते हैं कि आपको आंदोलन के बारे में पता है, आपको केवल यहाँ पर कारणों को बताना है। हाँ, ये बता सकते हैं कि ये जो डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था आप बता सकते हैं, इसके नेता कौन थे, मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे आप ये बता सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कारणों को फोकस करना है, आंदोलन में क्या हुआ था, आंदोलन के परिणाम क्या थे, ये नहीं, कारणों को फोकस करना है। अगला सवाल, 12 छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग में हुई क्रांतिकारी घटनाओं का विवरण कीजिए। देखिए फिर से भारत छोड़ो आंदोलन से सवाल पूछा गया है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जितने भी आंदोलन हैं वहां से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए ये आंदोलन, ये क्रांतिकारी घटनाएं और ये फिर से आदिवासी आंदोलन, छत्तीसगढ़ के आदिवासी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको आदिवासी आंदोलन के बारे में बताना है, ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो सवाल पूछे गए हैं ना इसे आप ध्यान में दीजिएगा, केवल हिंदी को दीजिएगा, ठीक है, ये मिसमैच हो गया है, टाइपिंग एरर है ये। तो आदिवासी आंदोलनों के बारे में बताना है कि छत्तीसगढ़ में कितने आदिवासी आंदोलन हुए थे। तो ब्रिटिश शासन काल में, ब्रिटिश संरक्षण काल में यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए थे, आपको सबके नाम लिखने होंगे और सबकी स्थिति परिस्थितियों के बारे में यहाँ पर बताना होगा। किसी एक आंदोलन के बारे में लिखकर आप उसे विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते हो, यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि आदिवासी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, किसी पर्टिकुलर एक आंदोलन का नाम नहीं दिया गया, सारे आदिवासी आंदोलन के बारे में पूछा गया तो सबके बारे में आपको कुछ कुछ तो बताना होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं कि 8 मार्क्स में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो 8 मार्क्स में सबसे पहला सवाल था, छत्तीसगढ़ के सोमवंशी शासकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। पूछने का तरीका बदल गया, अब महाशय गुप्त, बालार्जुन या फिर तीवरदेव के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, अब उस राजवंश के सभी शासकों की उपलब्धियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि अब सवाल इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, थोड़ा गहराई में जाकर थोड़ा तर्कपूर्ण सवाल, अब थोड़ा गहराई में जाकर इन सवालों को पूछा जा रहा है। तो सोमवंशी शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताना, तो सबसे पहले तो आपको इनके शासकों का नाम पता होना चाहिए, उनके कालक्रम पता होना चाहिए, तभी तो आप उनकी उपलब्धियां बताएंगे। इसका मतलब ये है कि आप सवाल इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि एक ही सवाल के अंतर्गत आपको बहुत सारे जवाब को देने होंगे। आपको इनके शासकों के नाम पता होना चाहिए, उनका कालक्रम पता होना चाहिए और उनकी उपलब्धियां पता होनी चाहिए, भले ही एक ही उपलब्धि हो किसी शासक की, लेकिन सभी शासकों को आपको डील तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल, 1922 में छत्तीसगढ़ के नगरी सिहावा क्षेत्र में हुए जंगल सत्याग्रह के स्वरूप की समीक्षा कीजिए। समीक्षा करना है आपको कि वो विद्रोह किस प्रकार से हुआ था,
कैसे हुआ था, उसकी परिस्थितियां कैसी थी, आपको यहाँ पर जंगल सत्याग्रह के स्वरूप की समीक्षा करना है। इसे अंडरलाइन कर दीजिए, इसे गोला घेर दीजिए, ठीक है। रिव्यू करना है उसका, रिव्यू द नेचर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, आपको इसका रिव्यू करना है, ठीक है। तो अब सवाल पूछने का तरीका बदल चुका है, कैसे क्या अभी ऐसा नहीं है, समीक्षा करना है, आलोचनात्मक विवरण देना है, सभी शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताना है, किसी एक शासक की उपलब्धि से बात नहीं बनने वाली है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय चेतना के विकास में पंडित सुंदरलाल शर्मा की भूमिका को रेखांकित कीजिए। हाँ, ये ठीक है, ये सवाल ठीक है। 15 मार्क्स के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2 सवाल पूछे गए थे। पहली बार हमने ऐसा देखा कि 15 नंबर के अंतर्गत सवाल पूछा गया है और एक ही सवाल पूछा गया है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है। अब आपको एक ही सवाल को 175 वर्ड्स में लिखना है। ये सवाल कौन से हैं? छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था का आलोचनात्मक विवरण लीजिए। जब भी आलोचना की बात की गई है ना, मतलब आप ये समझ जाइए कि उस समय कुछ तो गलत हुआ था और आपको अपनी थिंकिंग को क्या होना चाहिए उसे आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सवाल ऐसा पूछा जा रहा है, चूंकि आप डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हैं तो आपको पूछा जाएगा ना कि उस समय प्रशासन में इस प्रकार की गलतियां थी, इस प्रकार की कमियां थी, तो उसे किस प्रकार से सुधारी जा सकती थी, क्या होना चाहिए था कि सब कुछ सही सही होता या फिर अच्छा होता, ठीक है। तो अब इंटेलेक्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं, थोड़ा गहराई में जाकर सोच विचार करके आपको जवाब तो देना पड़ेगा। सिर्फ क्या से काम नहीं चलेगा, आपको कारण भी पता होना चाहिए, आपको समस्याएं भी पता होना चाहिए और उस समस्याओं का सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप सूबा शासन के बारे में बताएंगे कि इस सूबा शासन को किसने लाया, कब लाया, किस उद्देश्य से लाया, कौन कौन से छत्तीसगढ़ में सूबेदार थे और उन्होंने क्या क्या किया, कैसी स्थिति थी छत्तीसगढ़ की उस समय। अब स्थिति मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, इन सभी स्थितियों के बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे और उसका आलोचनात्मक विवरण देंगे। तो ये जानकारी तो आपको सभी में लिखना है, लेकिन जो अंतर लेकर आएगा ना, वो यहाँ से अंतर आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए कि उस समय जब 1942 में सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा भार यहाँ की युवाओं के ऊपर था, तो उनकी क्या भूमिका रही, किस प्रकार से इस आंदोलन को रेगुलेट किया गया, इसका संचालन किया गया, इस सभी के बारे में आपको बताना है, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो देखिए ना, यहाँ पर अब सवाल किस प्रकार से पूछा जा रहा है, एनालिसिस कीजिए, आलोचनात्मक विवरण दीजिए, तो अब जवाब देने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CGPSC का जो पैटर्न है बदल चुका है, सवाल पूछने का तरीका बदल चुका है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं, इस विषय का वेटेज बढ़ चुका है और अब सवाल पहले से ज़्यादा कठिन हो चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी रखनी है। कुछ मुख्य बातें जो इससे संबंधित आपको ध्यान रखनी है, वो मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो अगर हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, 2 या 4 मार्क्स में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसकी हमें सामान्य जानकारी रखनी है। छत्तीसगढ़ के राजवंशों की बात करें तो हाँ, पहले तो सिर्फ राजाओं की उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता था, लेकिन पहले केवल और केवल प्रमुख शासकों की उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता था, लेकिन अब तो सभी शासकों की उपलब्धियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको सभी शासकों के उपलब्धियों को जानना होगा, ठीक है। जितने भी छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुए और सत्याग्रह हुए, ये सभी बहुत 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 ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। ये 4 मार्क्स में और 8 मार्क्स में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगला स्वतंत्रता आंदोलन, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पार्ट है जहाँ से आइदर 8 मार्क्स में या 15 मार्क्स में सवाल पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पर तर्कपूर्ण आंसर देना होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा गहराई से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन का टॉपिक सबसे ज़्यादा गहराई से पढ़ना है, सभी आंदोलन और सत्याग्रह को टच करना है और इतना टच करना है कि आप 100 शब्दों में उन आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में लिख सको। सभी क्षेत्रीय राजवंशों की पढ़ाई करनी है और सभी शासकों के बारे में जानना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हमें सभी शासकों की होनी ही चाहिए, ठीक है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सामान्य जानकारी रखनी है, इससे संबंधित बहुत गहराई में जाकर हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करके स्टडी करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को पढ़ते पढ़ते ही आपके 20 दिन गुजर गए, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि आपको किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कितना समय देना है। ये आप अगर इस प्रकार से आप पढ़ ले गए तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम CGPSC मेंस पेपर एनालिसिस के अंतर्गत CGPSC मेंस के पेपर 6 का भाग 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से संबंधित पेपर का एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।